हेलो एंड वेलकम टू एमबी वर्ल्ड। आज हम डिफरेंट टाइप के नारियल के लड्डू बनाएंगे। हमें चाहिए नारियल पाउडर, मिल्क मेड, हम थोड़ा नारियल अलग रखेंगे। कढ़ाई में नारियल को डालना है। मिल्क मेड को हमने गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर रखना है। पाउडर को हम अच्छे से भुनेंगे। इसको धीमी आंच पे भुनना है ताकि ये जले ना। ये अच्छे से भुन गया हुआ है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको चलाते रहिए, ये कढ़ाई भी नहीं लगना चाहिए। लड्डू बना लेंगे, इसमें घी की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम इस पे सूखा नारियल लगा के इसको रेडी रखेंगे और ये हमारे कैरमलाइज लड्डू रेडी हैं। दूसरी तरह के लड्डू के लिए चाहिए हमें नारियल, गुड़, नारियल को अलग रखेंगे और फुल फैट मिल्क। नारियल को अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें भी घी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम गुड़ मिला देंगे। गुड़ को अच्छे से मैश करना है। हो सके तो इसके लिए आप भी नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करें। लड्डू बनाने के बाद इस पर नारियल बुरा जूर लगाएं। ये हमारे गुड़ के लड्डू रेडी हैं। अगले लड्डुओं के लिए हमें चाहिए एक कटोरी नारियल, आधा कटोरी पाउडर मिल्क, एक कटोरी पाउडर शुगर और हाफ कटोरी मिल्क। नारियल को हम भून लेंगे। अब इसमें हम पाउडर मिल्क डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे। हम इसमें दूध मिलाकर इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको आधा बाहर निकाल के बाकी में हम कलर डाल देंगे। ये मैंने फूड कलर लिया है, ग्रीन कलर का। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने येलो भी बनाया है। ये मैंने येलो वाला लिया है। इसके बीच में हम प्लेन गोली रख के रोल करेंगे। और इनके ऊपर नारियल बुरा लगाएंगे। ये मैं ग्रीन भी सेम बना रही हूँ। आप किसी भी कलर के बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और ये हमारे कलरफुल कोकोनट लड्डू रेडी हैं।